الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم। मोहतरम हजरात, कल ये बात आप हजरात के सामने आई थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि उन्होंने अपने आप को देखा कि उनके सामने 11 सितारे चांद सूरज सजदा कर रहे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, अपना ये ख्वाब भाइयों के सामने बयान मत करो, वरना तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ कोई तदबीर निकालेंगे और शैतान उनसे ये काम करवा देगा। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 3 इनामात अता करने के बारे में बतलाया है। वो 3 इनामात क्या है? सबसे पहली चीज है नबुवत, के ऐ यूसुफ, हम तुम्हें आगे चलकर मुंतखब कर लेंगे, यानी तुम्हें नबुवत दी जाएगी। और दूसरी चीज क्या है? तावीलुल अहादीस, अरबी में तावीलुल अहादीस कहा जाता है, यानी ख्वाब की ताबीर बयान करने का इल्म। किसी आदमी ने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर अजीब मंजर उसको नजर आया, अब उसकी ताबीर क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका भी एक इल्म है, एक नॉलेज है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी देंगे। यहाँ से ये बात मालूम हुई है कि ख्वाब की ताबीर दरअसल अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दिया जाने वाला इल्म है, वो किताब से पढ़कर आता नहीं। बहुत से लोग किताब देख करके ख्वाब का मतलब बयान करते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा है, एक एस्टिमेशन है कि ऐसा ख्वाब देखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है। एग्जैक्ट वो उसका माना और मतलब नहीं होता। और एग्जैक्ट माना मतलब कौन सा होता है? वो होता है जो अल्लाह ताला बंदे के दिल में डाल देता है। जैसे किसी ने ख्वाब का मतलब पूछा तो जिस आदमी के पास ख्वाब की ताबीर का इल्म होता है, अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देता है कि इस ख्वाब का मतलब ये है, और वो सही मतलब होता है। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाले। एक आदमी के बारे में उनको बताया गया कि उसका एक पैर काट करके ईस्ट में डाल दिया गया, एक और पैर काट करके वेस्ट में डाल दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उस आदमी ने ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा था?
कि उसका एक पैर मशरिक में पड़ा हुआ है, दूसरा पैर मगरिब में पड़ा हुआ है। तो सुबह उठा वो हैरान परेशान, मेरा एक पैर ईस्ट में है, दूसरा पैर वेस्ट में है, क्या इसका मतलब, जा करके लोगों के सामने बयान करता फिरा। हालांकि कल आपको बताया गया है कि अपना ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना है। अच्छा ख्वाब हो तो वो सिर्फ नेक आदमी, नेक दोस्त या किसी आलिम से, जिससे आपको वो मतलब समझना है, उनके सामने बयान करना है, वरना अच्छा ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना, औरों के सामने। और बुरा ख्वाब वो तो बिल्कुल बयान ही नहीं करना। बुरा ख्वाब देखें तो क्या करना है वो तो याद है ना आपको, उठते ही बाएं तरफ 3 मर्तबा थूक देना है और 3 मर्तबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है, फिर उठ करके बैठ जाना है और नमाज पढ़ लेना है। रात में बंदा जब डर करके घबरा करके उठेगा, सारी दुनिया सोई हुई है, अब वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज दिन की 100 रकात नमाज से भी ज्यादा बेहतर हो जाए। रात में जो आदमी नमाज पढ़ता है 2 रकात, वो तो बहुत सवाब वाली नमाज होती है। तो 2 रकात नमाज उसको पढ़ना है और उसके बाद फला युहद्दिस बिही, वो बुरा ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। तो किसी के सामने बयान नहीं करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, वो ख्वाब लोगों के सामने बयान कर दिया। तो एक आदमी ने उसके ख्वाब का मतलब बताया कि उसका एक पैर काट करके उसको कत्ल किया जाएगा और एक पैर उसका काट करके मशरिक में डाल दिया जाएगा, दूसरा पैर काट करके मगरिब में डाल दिया जाएगा, ये मतलब है तुम्हारे ख्वाब का। अब जो मतलब उसने बयान किया, ख्वाब देखने वाले ने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे साथ अल्लाह ताला ऐसा ही करने वाला है, ऐसा ही मामला मेरे साथ पेश आने वाला है, तो क्या हुआ, वैसा ही हो गया। हदीस में है ना, अना इंदा जन्नी अब्दी बी, बंदा मेरे साथ जैसा गुमान रखेगा मैं वैसा ही मामला करूंगा। उस आदमी ने वैसा ही समझा तो अल्लाह ताला ने उसके साथ वैसा ही मामला कर दिया। तो अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह को किसी ने आकर बताया कि एक आदमी ने ऐसा ख्वाब देखा और उसका मतलब ये निकाला गया, तो उसका एक पैर इधर और एक पैर इधर पड़ा हुआ है। तो अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर वो आदमी अपना ख्वाब किसी के सामने बयान न करता, मेरे पास आकर के ख्वाब का मतलब पूछता, तो मैं उसके ख्वाब का मतलब बताता कि तू आइंदा चल करके हुक्मरान बनेगा, तेरी हुकूमत मशरिक में भी होगी, तेरी हुकूमत मगरिब में भी होगी, तेरे पैरों के नीचे ये दोनों हिस्से आ जाए, ये मतलब है सही मतलब तुम्हारे ख्वाब का। किसी ने गलत मतलब बयान किया और वैसे ही हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हैं। इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई हैं और इमाम साहब वो हड्डियां जमा कर रहे हैं, चुन रहे हैं, चुन करके उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ये ख्वाब देखा। सुबह हुई तो इमाम साहब ने अपने शागिर्द को भेजा, जाओ जाओ वो इब्ने सीरीन है ना, उनसे जा करके इसका माना पूछ के आओ, क्योंकि अल्लामा इब्ने सीरीन
दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर ख्वाब का मतलब जानने वाले, ख्वाब का सही मतलब वो जैसा बयान करते हैं आज तक कोई ऐसा दूसरा पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, तो इमाम साहब ने भेजा जाके ख्वाब का मतलब पूछ के आओ और मेरा नाम मत बताना कि मैंने ये ख्वाब देखा। तो वो गए और जाकर के अल्लामा इब्ने सीरीन से कहा कि एक आदमी ने ऐसा ख्वाब देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई है और वो आदमी उन हड्डियों को जमा कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि ये ख्वाब तेरा नहीं है। अल्लामा इब्ने सीरीन ने क्या फरमाया? ये ख्वाब तेरा नहीं है, ये ख्वाब पूरी दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अलग हो गया हो और हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई हो, उसको एक आदमी जमा कर रहा हो। ऐसा ख्वाब पूरी दुनिया में कोई नहीं देख सकता। अगर देख सकता है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा ही देख सकता है। अल्लामा इब्ने सीरीन ने यह फरमाया तो वो शागिर्द कहने लगा, जी हजरत आपको पता चल गया है इमाम साहब ने ही ये ख्वाब देखा है, मुझे तो भेजा है कि मतलब पूछ के आओ और नाम बताने से मना कर दिया। तो अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस ख्वाब का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से जो अल्लाह की तरफ से इल्म आया कुरान का हदीस का, वो इधर उधर है। तो इमाम साहब क्या करेंगे, वो सारे उलूम को, सारी शरीयत को, सारे दीन के मसाइल को एक जगह जमा करके लोगों के सामने पेश करें, ये मतलब है। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। इमाम साहब बड़े होकर के उन्होंने सारा दीन एक जगह जमा कर दिया। 4000 उस्ताद हैं इमाम साहब के। इमाम आजम अबू हनीफा जिसके हम लोग मुकल्लिद हैं, उनकी तकलीद करते हैं, हम सब हनफी हैं। हमारा मसलक क्या है? हनफी है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने 4000 उस्तादों से दीन सीखा है, बहुत लंबे लंबे सफर किए और 4000 असातिज़ा से कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया और सबको एक जगह जमा करके उसको प्रिपेयर करके अपने शागिर्दों के सामने पेश कर दिया कि लो इसको अब आगे फैलाओ। चुनांचे लिखा है किताबों में कि इमाम साहब ने कुरान और हदीस से जो मसाइल लिख करके एक जगह जमा फरमाया, उन मसाइल की तादाद उस जमाने में 175,000 है। 175,000 मसाइल को उन्होंने जमा कर दिया। उसके बाद शागिर्दों ने उनके उलूम को इसी तरह फैलाना शुरू कर दिया। बहरहाल तो ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना, बुरा ख्वाब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ यूसुफ हम तुम्हें ख्वाब का इल्म देंगे। पहली चीज क्या? पहला इनाम, हम तुम्हें नबी बनाएंगे। नंबर दो, तुमको ख्वाब का इल्म देंगे। ख्वाब का मतलब क्या होता है तुम्हारे सामने वो बिल्कुल क्लियर हो करके आ जाएगा। और नंबर तीन क्या है? हम तुमको आइंदा चल करके बहुत सारी नेमतों से नवाजेंगे। इतनी नेमतें हैं कि आपको आइंदा पता चल जाएगा तफसीर के दौरान कि आप मिस्र के वजीर बन जाएंगे, मिस्र के वजीर बल्कि हाकिम बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे। उसके बाद आगे अल्लाह पाक फरमाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाकये में सवाल करने वाले यहूदियों के लिए बहुत सारी इबरत की बातें हैं, क्योंकि उन्होंने तौरात में, इंजील में, जबूर में जो कुछ पढ़ रखा है उससे कहीं ज्यादा इस सूरत के अंदर बहुत सारी बातें हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में
जितना नॉलेज उन यहूदियों के पास था उससे कहीं ज्यादा इस एक सूरत के अंदर मजमून मौजूद है। क्या मजमून है? आगे अल्लाह ताला फरमाते हुए कहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को किसी तरह पता चल गया क्या कि हमारे छोटे भाई ने ख्वाब देखा है। भाइयों को पता चल गया किसी तरह। कितने भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के? 11 भाई थे। एक तो हकीकी भाई था बिन्यामीन, उनके अलावा 10 भाई थे वो दूसरी माँ के थे, पहली बीवी के। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी थी लैया बिनते लैयान उनका नाम था, उनके वो 10 बच्चे थे। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन से निकाह कर लिया जिनका नाम था राहील, उनसे 2 बच्चे पैदा हुए यूसुफ और बिन्यामीन। बिन्यामीन पैदा होते ही उनकी माँ भी दुनिया से पर्दा फरमा कर चली गई। तो ये जो 10 बड़े बड़े भाई थे इनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का पता चल गया किसी तरह, बस उलमा ने ये लिखा है। तो उन्होंने क्या किया, आपस में प्लान बनाया 10 भाइयों ने मिलकर के कि देखो हमारे जो अब्बा जान हैं यूसुफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जाहिर सी बात है एक बाप के अगर 4-5 बच्चे हैं उनमें एक बच्चा शरीफ हो, बाप की बात ज्यादा मानता हो, नेक बच्चा हो तो बाप की तवज्जो उस नेक बच्चे की तरफ ज्यादा होती है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। क्यों? इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, शरीफ थे, बाप का कहा माना करते थे। तो इन 10 भाइयों ने मिलकर के मशवरा किया कि देखो अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते, हालांकि करते थे, अलबत्ता यूसुफ से थोड़ा कम करते थे। अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, यूसुफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोग क्या करें, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं या फिर किसी कुएं में डालकर आ जाते हैं, किसी दूर दराज इलाके में जाकर कुएं में जंगल में डाल करके आ जाएंगे। अब ये सारा काम क्या होगा, ये गुनाह है कि नहीं है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाना कबीरा गुनाह है। फिर उनको ले जाने के लिए अब्बा जान से झूठ बोलना ये भी कबीरा गुनाह है, और ले जा करके भाई को धोखा देना ये भी कबीरा गुनाह है, और जा करके कुएं में डाल देना या कत्ल कर देना ये भी कबीरा गुनाह है। इतने सारे कबीरा गुनाह ये भाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो यहाँ से उलमाए किराम ने मसला निकाला है कि ये भाई पैगंबर नहीं थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे 12, उन 12 में से ये जो 10 बेटे थे इन 10 में से कोई एक भी पैगंबर नहीं था, क्योंकि पैगंबर ऐसा प्लान बना ही नहीं सकता। पैगंबर बचपन से ही गुनाहों से बचता है, बचपन में ही वो पाक साफ रहता है, बचपन से ही 40 साल की उम्र तक भी वो तमाम बुराइयों से बचता है। अब कुरान ने चूंकि इनकी प्लानिंग को बयान किया है तो यहाँ से मसला ये समझ में आया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ये 10 बच्चे आगे चलकर नबी नहीं हुए, मुसलमान थे बस। अब इतने सारे कबीरा गुनाह ये करेंगे तो फिर क्या होगा? तो कहने लगे वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, अरे चलो पहले बीच में जो काटा है इसको हटाओ, यानी यूसुफ को कत्ल कर दो, बाद में हम जा करके तौबा कर लेंगे, अब्बा जान से माफी मांग लेंगे। ये उन्होंने प्लान सोचा था। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो आज मैं गुनाह कर लेता हूँ, कल सुबह होते ही सहरी के लिए उठते ही वजू करके 2 रकात पढ़ूंगा और पक्की तौबा करूंगा, आज रात में थोड़ा
एक सीरियल देख लेता हूँ, एक फिल्म देख लेता हूँ, एक घूंट शराब पी लेता हूँ, बस लास्ट है आज, आज बिल्कुल आखिरी बार ये काम करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं, आज लास्ट समाप्ति नहीं, इस तरह सोचते सोचते ही रह जाते हैं। एक लंबा जमाना गुजर जाता है तब भी वो सुधरता नहीं, एक साल गुजर जाता है, नहीं वाह अब रमजान आने वाला है, रमजान में बिल्कुल ये परमपोक के काम में छोड़ डाल, अब रमजान आ गया फिर भी कर लेता, नहीं आज करा हूँ नहीं, समासी नहीं। इस तरह करते 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 बड़ा हो जाता है, फिर उसको थोड़ी सी शर्म आती है तो कहता है नहीं अब शादी होने के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगा। शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो बुराइयों से नहीं बचता, आंख की हिफाजत नहीं करता, दिलो दिमाग को पाक साफ नहीं रखता, आज भी वही बुराई कर रहा है जो बुराई वो जवानी में करता हुआ आया था। फिर एक उम्र को वो पहुंच जाता है, उसको शर्म महसूस होती है, या कोई बयान सुन लेता है, या कोई उसको नसीहत करता है, तो फिर वो इरादा कर लेता है नहीं अब 4 महीने जमात में जाता तो पक्का मैं मुसलमान हो जाता हूँ, नमाज शुरू करा दूँ, जुब्बा सरे उतार डाल दू, दाढ़ी एक लंबी रख डाल दू, पक्का इरादा। अब जमात में जाता है, जाने का वादा आज किया, 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं, 3 दिन के लिए भी नहीं निकलता है, फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह निकल भी जाता है, उन 3 दिनों में थोड़ा माहौल की तब्दीली से फर्क आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर आने के बाद शरा मामूल, फिर वही काम करने लगता है, फिर वही सारी बुराई करने लगता है। फिर एक उम्र उसकी गुजर जाती है और बड़ा होता है, तो फिर वो ख्याल करता है नहीं अब मेरे दाता झड़ने के करीब हो गए हैं, अब मैं हज को जा को आने के बाद पूरी बुराई छोड़ दूंगा, हज को जाने तक मुझे क्या बोलने को, मैं क्या क्या करना है कर ले लो, हज को जाकर आने के बाद सारी बुराई छोड़ दूंगा। अब हज को जाने तक वो सारे काम करता रहता है, और एक दिन वो हज को भी चला जाता है और वहाँ जाकर हज करके वापस आता है, आने के बाद 1 2 3 4 इस तरह चंद दिन ठीक ठाक रहता है, फिर वही काम करने लगता है, नहीं नहीं अब भी इतना मैं थोड़ा सुधरा हूँ, सो थोड़ा बहुत गलती मुझसे हो जाती है करके दिल को तसल्ली देते हुए एक एक बुराई फिर शुरू करते रिवर्स चला जाता है। बुढ़ापे में तौबा कर लिया था हज को जाकर आने के बाद, लेकिन फिर रिवर्स जवानी की तरफ चला जाता है, जो बुराई वो जवानी से करता हुआ आया खबर तक करता चला जाता है, और रोजाना उसका यही इरादा रहता है, वतकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, के मैं आइंदा चल करके अच्छा आदमी हो जाऊंगा, लेकिन होता होता कुछ नहीं, ये ख्याल गलत है कि आइंदा मैं सुधर जाऊंगा। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कल जा करके क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, एक सलाम फेर कर दूसरा सलाम फेरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को मालूम नहीं। क्यों हम खामखा ही आइंदा के लिए टाल दें कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, सुबह तौबा कर लूंगा, शाम में तौबा कर लूंगा, नहीं तौबा करने से पहले अगर मौत आ गई, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए रूह कब्ज करने के लिए तो फिर क्या करेंगे। इसलिए यहाँ से उलमाए किराम ने मसला लिखा है कि देखो इस तरह तुम मत करो कि आइंदा चलकर हम सुधर जाएंगे, नहीं ये धोखा है, अभी गुनाह हुआ, अभी गलती हुई, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा कर लो, ये मत प्लान बनाओ कि मैं आज गुनाह कर लूंगा कल तौबा कर लूंगा, नहीं याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बच्चों ने ये प्लान बनाया कि हम हजरत यूसुफ को ले जा करके कुएं में डाल देंगे या कहीं कत्ल कर देंगे, बाद में आकर के हम तौबा कर लेंगे और अब्बा जान से भी आकर के माफी मांग लेंगे। चंद दिन में जब अब्बा जान के दिल से यूसुफ का गम थोड़ा कम हो जाएगा, हम आकर के सारी सच्ची बात बता देंगे और माफी मांग लेंगे कि अब्बा जान हमसे गलती हो गई, हमको
माफ कर दो। बस आज के लिए यहाँ यहीं तक रहने दीजिए। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये 10 भाई किस तरह लेकर के जाते हैं अब्बा जान से, ये सारी तफसील आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सूरह यूसुफ के अंदर जो मुफीद बातें हमें मिलती हैं उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।